सो फ्रेंड्स, जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमको भूख लगी होती है, तो भाई रोटी कौन बनाने जाए, तो हम ब्रेड से बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो इसके लिए पहले हमने कढ़ाई में डाला 1 चम्मच सरसों तेल, उसके बाद कुछ हरी सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में हमने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, हमने इतना सब्जी काट कर डाला है, आप और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, सब्जियों का क्रंच बरकरार रखना है हमें। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच मेयोनीज, 1 चम्मच टोमेटो केचप, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मेयोनीज हमने इसलिए डाला है कि इसका अच्छे से क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आए। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा मसाला बनके तैयार है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड स्लाइसेज लिए हुए हैं। तो इसके बाद हम तवे पर लगाएंगे बटर इस तरीके से और इस पे हम ब्रेड को सेक लेंगे एक तरफ से। तो यहाँ पे मेरा तवा बड़ा है तो यहाँ पे मैं 4 ब्रेड को एक साथ रखूँगी। तो एक तरफ से ये हो चुका है, अब इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे, एकदम लो फ्लेम पर बनाएंगे ये। अब तो हमने जो मिक्स तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी नाश्ता ये बनके तैयार होगा और इसके बीच बीच और चारों तरफ से हल्का हल्का बटर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी नाश्ता ये बनके तैयार होगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इस पे हम थोड़ा सा वो चीज़ लगाएंगे और इसको 30 सेकंड के लिए ढक के छोड़ेंगे जिससे कि थोड़ा सा चीज़ मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे ये हमारा नाश्ता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।